हम लोग का घर में भर भर के ठिठौना पानी है, न खाने की व्यवस्था होता है, न कुछ पानी में। पानी जमा हुआ है एक सवा महीना से हम लोग का। आपको यह सुनकर शायद विश्वास नहीं होगा कि कटिहार नगर निगम के लाख दावों के बावजूद शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां बेमौसम भी बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। चलिए आपको लिए चलते हैं कटिहार के टियर पारा वार्ड नंबर 21। यहां आप देख सकते हैं बेमौसम की बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लोगों का जीना भी मुहाल है। आप खुद सुनिए यहां के लोगों से। हम लोग का घर में भर भर के ठिठौना पानी है, न खाने की व्यवस्था होता है, न कुछ पानी में, न पीने वाला पानी मिलता है, न रोड है। नगर निगम का टैक्स ठोक के चल गया है, टैक्स कटाते हैं, पैसा बिल भरते हैं, खाते नहीं भरते हैं। बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं तो पानी में कैसे जाएगा? दो रोज जाता है, दो रोज नहीं जाता है, बीमार पड़ जाता है। कोई नगर निगम से कोई नहीं आया देखने? कहाँ को आया है? सब बोलते वार्ड कमिश्नर को गए, बोले वो बोलता हम क्या करेंगे पानी में जाके। नाम क्या आपका? शिखा देवी। पूरा शहर का नाले का पानी हमारे मोहल्ले के होके ही क्रॉस करता था, निकास होता था, जो अब मोहम्मद फक्को के द्वारा उसे घेर दिया गया है। जो सारे नाले का पानी हमारे मोहल्ले में अब जमा हो गया है, जिस जमा होने के कारण से एक से डेढ़ महीने में सबके घर, रास्ता, नाला सब जाम हो गया है। आज हमारे लिए निकास के लिए हमारे महिलाएं साड़ी उठा के आ रहे हैं, जो हमें शर्म की बात है। आज हमारे देश का ये हाल है। घेरने का क्या कारण है? घेरने का कारण है वो अपने निजी कारण से, जो अपना फसल लगाया है उसी के लिए घेर दिया है। हम लोग जब मेयर उपमेयर सबके पास गए तो वो आश्वासन देता है कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, आके फोटो ले जाता है, बट शांत हो जाता है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। पानी जमा हुआ है एक सवा महीना से, हम लोग का कोई सुन नहीं रहे, न वार्ड कमिश्नर, न मेयर, न उप मेयर, नगर निगम भी हम लोग गए, पानी जमा हुआ है पूरा। किस चीज का पानी है? नला का पानी है, आज नला जाम कर दिए हैं। मार्केट का, शहर का, नगर निगम का नाला का पानी है। शहर का सारा पानी यही, सारा पानी यही आता है शहर का। गंदा पहले पहले भी लगता था कि अभी पहले नहीं लगता था, पहले निकास था, वहाँ फोर लाइन के पास घेर दिया है फक्को, वो इसीलिए हम लोग का पानी उधर नहीं जा रहा है। अभी कैसे आते जाते हैं? पानी में हेल के जाते हैं, बच्चा सब का स्कूल बंद है, बुखार लग गया है, कोई नहीं जाता है। मेयर के पास गए थे तो क्या मिला आश्वासन? उषा देवी दी की हो जाएगा, आप लोग स्थिर रहिए, हो जाएगा, यही बोली। वार्ड कमिश्नर जो उसको बोले, वो भी बोले हम बना देंगे, करेंगे, सुखा मौसम आएगा तब। कौन है वार्ड कमिश्नर? है कौन? ज्ञानती देवी। ज्ञानती देवी। क्या नाम क्या आपका? किरण देवी। लोगों की लाख गुहार के बाद आखिरकार आज नगर निगम प्रशासन की नींद खुल गई। आज पूरा नगर निगम प्रशासन दलबल के साथ टियर पारा पहुंचा और जेसीबी की सहायता से साफ सफाई के काम को पूरा किया। इस मौके पर एमएलसी अशोक अग्रवाल भी स्वयं मौजूद रहे। नगर निगम के इस कदम के बाद स्थानीय लोग काफी राहत महसूस कर रहे हैं।